उनका नेम है नूर फातिमा और उनका रोल नंबर है 115-281 और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल चीचा बतनी की स्टूडेंट रही। अस्सलामु अलैकुम अजीज तुलबा, जैसा कि आप सबको पता है कि मैट्रिक 2023 का रिजल्ट आ चुका है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं साइबल बोर्ड्स के टॉपर स्टूडेंट्स का रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा कि किन स्टूडेंट ने साइबल बोर्ड को टॉप किया है और टॉप के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन तक आपके साथ रिजल्ट शेयर किया जाएगा। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी तो साइबल बोर्ड में जिस स्टूडेंट ने पहली पोजीशन हासिल की है उनका नेम है रुमेशा अफीज और उनका रोल नंबर है 106-387 और डीपीएस स्कूल उकाड़ा में वो पढ़ती रही हैं और टोटल 1090 नंबर लेकर उन्होंने साइबल बोर्ड को टॉप किया है। इसके बाद जो स्टूडेंट दूसरी पोजीशन पे आई हैं उनका नेम है फजर शफीक और उनका रोल नंबर है 107-416 और डीपीएस स्कूल उकाड़ा की ये भी स्टूडेंट हैं और उन्होंने 1088 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। इसके बाद जो स्टूडेंट तीसरी पोजीशन पे आई हैं उनका नेम है रात फातिमा और उनका रोल नंबर है 109-468 और वो इकरा पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल आरव वाला में पढ़ती रही हैं और उन्होंने 1087 नंबर लेकर साइबर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है। इसके बाद चौथी पोजीशन पर एक नहीं बल्कि तीन स्टूडेंट्स आए हैं, तो बारी बारी उनका रिजल्ट आपके साथ शेयर करते हैं। तो चौथी पोजीशन जिस स्टूडेंट ने हासिल की है उनका नेम है शेर बानो और उनका रोल नंबर है 104-975 द एजुकेटर गर्ल्स हाई स्कूल दीपालपुर की ये स्टूडेंट है और उन्होंने 186 नंबर लेकर चौथी पोजीशन हासिल की है। इसके बाद एक और स्टूडेंट जो चौथी पोजीशन पे आई है उनका नेम है मीरा फातिमा और उनका रोल नंबर है 115-975 और डिवीजनल पब्लिक गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल चीचा वतनी की स्टूडेंट है और उन्होंने भी 186 नंबर लेकर चौथी पोजीशन हासिल की है। इसके बाद एक और स्टूडेंट है जिन्होंने चौथी पोजीशन हासिल की है, उनका नेम है मरियम अमीन और उनका रोल नंबर है 119-977 और द एजुकेटर गर्ल हाई स्कूल साहिवाल की स्टूडेंट है और उन्होंने 186 नंबर लेकर चौथी पोजीशन हासिल की है। इसके बाद पांचवें पोजीशन पर चार स्टूडेंट्स आए हैं, तो उनका रिजल्ट भी आपके साथ बारी बारी शेयर करते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने पांचवीं पोजीशन हासिल की है उनका नेम है मलाइका अशरफ और उनका रोल नंबर है 102-333 और उनका स्कूल था प्रोग्रेसिव पब्लिक गर्ल हाई स्कूल मोहल्ला जंदी हवेली लखा दीपालपुर, तो हवेली लखा के ये स्टूडेंट रही है और इन्होंने 185 नंबर लेकर पांचवीं पोजीशन हासिल की है साइबल बोर्ड के अंदर। इसके बाद एक और स्टूडेंट जिन्होंने पांचवीं पोजीशन हासिल की है उनका नेम है मरियम अरशाद और उनका रोल नंबर है 104-904 और द एजुकेटर गर्ल्स हाई स्कूल दीपालपुर की स्टूडेंट रही हैं और इन्होंने भी 185 नंबर लेकर पांचवीं पोजीशन हासिल की है। इसके बाद एक और स्टूडेंट जिन्होंने पांचवीं पोजीशन हासिल की है उनका नेम है ईशा शफीक और उनका रोल नंबर है 107-964 और ये डीपीएस स्कूल उकाड़ा की स्टूडेंट रही हैं और इन्होंने भी 185 नंबर लेकर पांचवीं पोजीशन हासिल की है। इसके बाद एक और स्टूडेंट जिन्होंने पांचवीं पोजीशन हासिल की है उनका नेम है नूर फातिमा और उनका रोल नंबर है 115-281 और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल चीचा बतनी की स्टूडेंट रही हैं और इन्होंने 185 नंबर लेकर पांचवीं पोजीशन हासिल की है साइबर बोर्ड मैट्रिक 2023 के सालाना इम्तहान में। तो ये जितने भी रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए ये सब मैट्रिक 2023 साइबर बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट्स के रिजल्ट थे। अल्लाह पाक इन सब की दिली मुराद पूरी फरमाए और इन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मेरी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक बात ये है कि साइबर बोर्ड में सारी गर्ल्स ने ही टॉप किया है।